ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है बाबू, बाय। अच्छा हुआ ये चला गया, अब एक काम। मेरी बीवी पे सख्त तो मुझे बहुत दिन पहले से था, इसीलिए मैंने उसके बिस्तर में किल लगाया और आज तो मुझे ये पता चली जाएगा कौन है उस शख्स जो मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरी बीवी के साथ छी। मुझे ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है और आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। आज मैं कोई ऑफिस नहीं जाने वाला, आज मैं इधर ही इंतजार करूंगा। कोई तो है जो इसी रास्ते से जाएगा। पिछले 2 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ पर मुझे कोई दिखा नहीं इस रास्ते से, ना आते हुए ना जाते हुए। मैं खामोखा अपनी बीवी पे शक कर रहा था। एक काम करता हूँ, जाके मैं अपनी बीवी को सरप्राइज देता हूँ तो ऑफिस नहीं गया, और उसे ये भी बोल दूंगा मैंने तुम्हारे बिस्तर में कील लगा दिया था, मुझे तुम पे शक हो रहा था। अरे आप अब तो ऑफिस गए थे ना? अरे वो मेरी तबीयत खराब लग रही थी इसलिए मैंने आज ऑफिस नहीं गया। बैठिए। कुसुम, मेरा सर ना बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। ये रामू कहाँ है? किचन में होगा। रामू, एक कप चाय लेके आना। अच्छा बेबी, खैर ये सब बात छोड़ो, मैं ना तुमसे कुछ कहने वाला हूँ। मैं ना तुम पे कामो खास। क्या? ये रामू को क्या हुआ और इस तरीके से लंगड़ा के चल रहा है? मुझे कैसे पता होगा? ये लो सब आपकी चाय। अरे रामू, ये तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस तरीके से लंगड़ा के चल रहे हो? साहब मैं क्या बताऊँ आपको, आजकल कैसे कैसे लोग रहते हैं, कहीं भी कुछ भी रख के भूल जाते हैं, उनकी वजह से भुगतना हमें पड़ता है। मतलब तुम्हारे साथ हुआ क्या है? छोड़ो साहब, कुछ नहीं। अरे बताओ क्या हुआ, क्या ये बताओ तो। अरे कुछ नहीं साहब, ऐसी जगह लगी है मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, छोड़ो रहने दो। अच्छा ठीक है, तेरी मैडम को मैं उधर घुरा दे रहा हूँ, तू मुझे तो दिखा सकता है ना? अरे नहीं साहब, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने मरहम पट्टी कर लिया है। अरे रामलाल, तू मुझे दिखाओ क्या हुआ है। अरे छोड़ो ना साहब। अरे दिखाने बोला हूँ ना, दिखाओ। हाँ, पिछवाड़े में कील ढुकी है बस, और कुछ भी नहीं। क्या कील? हाँ। रामू जल्दी आ जाओ। अरे मालकिन, आपको सबर नहीं होता है ना, मालिक गए नहीं आपने मुझे बुला लिया। हाँ हाँ, ज्यादा भाव मत खा, जल्दी आ जा, इधर खड़े मत रह। लो मैं आ भी गया। मालकिन, लगता है कुछ चुभ गया है। पेट में क्या चुभेगा तुमको? अरे मैडम देखिए ना क्या है, बहुत दर्द। अरे कील, कील किसने रख दिया पेट पे? तुम एक काम करो, तुमने इधर से चुपचाप निकल जाओ, जल्दी निकलो। अरे जाओ ना। एक काम करते छुपा दे। वो कील तुम्हें इस बिस्तर में तो नहीं ढूंका? अरे नहीं साहब, ये आप क्या बोल रहे हो, वो बाहर में बैठने गया था ना, तभी वहीं पे लग गया। तुम्हें लग रहा होगा मुझे ये बात कैसे पता चला, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, ये सब तो तुम पे बहुत दिन पहले से था और मैं ऑफिस जाने के समय मैंने ये कील तुम्हारे बिस्तर में रख दिया था ताकि तुम्हारी असलियत मुझे पता चले, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे तो लग रहा था तुम अपना मुंह कहीं और काला करवा रही हो, लेकिन नहीं, तुम अपना मुंह तो इस नौकर के साथ काला करवा रही हो, वो भी मेरे ही रूम में, मेरे ही बिस्तर में। ठीक, मुझे तो अपनी बीवी कहने में शर्म आ रही है, तो तुम कैसी लड़की हो, तुम किसी की घर की इज्जत हो, एक बार भी तुमने सोचा नहीं अपनी इज्जत ऐसे सरेआम नीलाम कर रही हो? प्लीज तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। दफा।